वर्षों से अतिक्रमण किए हुए लोगों को हटाने गई पुलिस को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। ताज़ा मामला राजधानी पटना से सटे दानापुर नगर के प्रखंड कार्यालय की है, जहां दानापुर दियारा के विस्थापित परिवार के लोग रहते थे। इन लोगों को मनेर थाना क्षेत्र में जमीन सरकार के द्वारा दे दी गई थी, बावजूद इसके ये लोग जगह को खाली नहीं कर पा रहे थे। पुलिस के द्वारा कई बार खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया गया था। जिलाधिकारी के आदेश मिलने पर दानापुर पुलिस अपने दल बल के साथ रविवार को अतिक्रमण हटाने गई थी। बुलडोजर के द्वारा बनी झोपड़ी को हटाया जाने लगा। इस बीच किसी ने आग लगा दी और पथराव करने लगे। देखते ही देखते आग विकराल रूप लेने लगा। दमकल की गाड़ियों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस बीच झोपड़ियों में रखे सिलेंडर भी ब्लास्ट करने लगे थे। दूसरी तरफ अतिक्रमण में हटाए गए लोगों का कहना है कि जमीन कहाँ दिया गया है, पता ही नहीं है कि कहाँ पर जमीन है, तो कैसे चले जाएं। पुलिस के द्वारा तकरीबन 150 से ज़्यादा घरों को हटाया गया। पटना सिटी SP पश्चिमी राजेश कुमार ने बताया कि इस घटना में तकरीबन कुछ झोपड़ियाँ जली है, स्थिति सामान्य है। सामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगाई गई है। घटना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। बहुत सालों से अतिक्रमण था, उसी अतिक्रमण को हटाने के लिए आज जो है प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण जो है हटाया जा रहा था, जिसमें DCLR थे दानापुर, उसके अलावा ASDM थे, थाना अध्यक्ष दानापुर थे, और भी CO BDO जो भी है, पूरा प्रशासन महकमा था। जब हटाया जा रहा था तो उसी क्रम में जो है उन लोग के द्वारा वायलेंस किया गया और किसी के द्वारा उधर पीछे से जो है आग लगा दी गई। तो तुरंत अभी प्रशासन के द्वारा या पुलिस के द्वारा वहां पे फायर ब्रिगेड बुलाया गया है और बुला करके उस आग को बुझाया जा रहा है। जैसा आपको मालूम होगा कि जो यहाँ पे लोग देरा के कुछ लोग सेटलमेंट बना करके रह रहे थे, उसके लिए प्रशासन द्वारा महीनामा में मनेर में ज़मीन भी आइडेंटिफाई कर दी गई थी और वहाँ पे ज़मीन परचेज भी कर ली गई थी। उसी में उनको पहले समझाया भी गया था कि आप अपने उस जगह पे चले जाएं और ये जो अतिक्रमण है उसको हटा दें। कोई इंजर्ड भी है क्या? देखिए अभी प्रिलिमिनरी पूरा अभी हम नहीं कह सकते कि क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। पथराव इसमें कुछ नहीं, अभी देखिए अभी जो है यानी पथराव हुआ, लेकिन हम लोग मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स जिसको कहते हैं वो किया जाता है, जो भी इसमें तरीका है। जो आग किसी के द्वारा जो लग, क्योंकि पूरे इवेंट की वीडियोग्राफी भी हमारे द्वारा कराया जा रहा था, सभी मजिस्ट्रेट भी वहाँ अवेलेबल थे, तो हम लोग के द्वारा ये पता किया जाएगा कि किसके द्वारा वहाँ पे जो है पीछे वाले इलाके में आग लगाया गया। अभी यही कोशिश की जा रही है कि जो जो आग है उसको बुझा दिया जाए, उसके लिए फायर ब्रिगेड भी वहाँ पे पहुँचा। क्या क्या क्षतिग्रस्त हुए? सर कितनी गाड़ी में आग लगाई? नहीं नहीं नहीं, ये झोपड़ी उधर थी, झोपड़ी में आग लगी, कोई गाड़ी में। क्या क्या क्षतिग्रस्त हुई? ये अभी हम कह नहीं सकते। स्थिति क्या है सर अभी? स्थिति अभी यानी जो भी है, सभी लोग चाहे विक्टिम हो या पुलिस वाले हों, हर कोई वहाँ पे यही कोशिश कर रहा है कि जो आग लगी है वो बुझ जाए।